अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिहार में निजी स्कूलों के शिक्षक वेतन नहीं मिलने से मनरेगा में काम करने को मजबूर, हाथों में हथकड़ी लगाकर किया मौन प्रदर्शन। हाथों में हथकड़ी लगाए दिख रहे ये लोग कोई अपराधी नहीं, बल्कि वेतन न मिलने से बदहाल निजी स्कूलों के शिक्षक हैं, जिन्होंने स्वयं ही हाथों में हथकड़ियां पहन ली हैं और आंदोलन पर उतर आए हैं। संयुक्त निजी विद्यालय संगठन के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के आंदोलनकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी में जहाँ आज सभी सेक्टर जीवित हो रहे हैं, वहीं निजी विद्यालय आज भी तालाबंदी का दंश झेल रहे हैं, जिससे उनके हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में हम शिक्षकों का वेतन और स्टाफ का वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ काम करने वाले शिक्षक मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, वो हाथ आज फावड़ा लेने को मजबूर हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान दे और हमारी समस्याओं का निवारण करे, जिससे हमारे हाथों में लगी हथकड़ी खुल सके। सरकार के उदासीनता के लेकर बहुत दुखित है। सरकार सभी चीज़ें पे तो गौर कर रही है, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल पे बिल्कुल उनके ध्यान नहीं है। आखिर हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हमारे ही शिक्षा देने से बच्चे चाहे DM SP कुछ भी बन सकते हैं, और इसी चीज़ पे उनकी ध्यान बिल्कुल नहीं है। उन्होंने किसी तरह के सोशल मीडिया के से चाहे जैसे भी हो, उन्होंने ये किया है कि पैसे नहीं लिया जाए। अब हम लोग स्कूल के किराए कहाँ से देंगे, हम लोग किराए पे भी चलाते हैं। तो सरकार की निगाह में ये होती है कि सर जो स्कूल प्राइवेट स्कूल चल रहा है वो बहुत पूंजीपति वाले होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब की सोच है कि शिक्षा पे हम लोग बेहतर ढंग से काम कर सकें। इसके लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की स्थिति पर भी ध्यान दे और उनके लिए कुछ करे। इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस प्रकार से सभी जगहों पर जो भी लोग अपने रोजी रोटी के लिए फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं, उठ चुके हैं, आज हमारी समस्याएं जो अनंत हैं, जो बच्चों हम लोग समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, समाज में एक अच्छा संकेत दे रहे हैं, समाज को शिक्षा दे रहे हैं, उसके बावजूद आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, जो वैश्विक महामारी के दौर में सभी उठ खड़े हुए, लेकिन हमारे साथ जितनी नाइंसाफ़ी और जो नाउम्मीदी का जो है सरकार से हम लोगों को जो मिला है, उसकी वजह से हम सभी आज इस सांकेतिक प्रदर्शन को कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी मांगे जाएं कि हम सभी किस प्रकार से एकजुट होकर बेचैन होकर सड़कों पर आ चुके हैं, आज सभी बदहाली की स्थिति में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।